नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सरकार और प्रशासन द्वारा भले ही गरीबों को लॉकडाउन के दौरान राशन पहुंचाने के दावे किए जाते हों, लेकिन आज लघु सचिवालय में इकट्ठे होकर के पार्षद पहुंचे, जिन्होंने इस बात की पोल खोल कर रख दी। पार्षदों का कहना है कि प्रशासन द्वारा उनके वार्डों में राशन वितरित नहीं किया जाता। पार्षदों द्वारा आज इस मामले को लेकर के फतेहाबाद के लघु सचिवालय में नारेबाजी की गई। उन्होंने कहा कि वार्ड के लोग उनके पास राशन लेने के लिए आते हैं, लेकिन जब उनके द्वारा प्रशासन से बात की जाती है तो उन्हें केवल आश्वासन दिया जाता है। लॉकडाउन शुरू हुए काफ़ी दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके इलाकों में और गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था नहीं हो पाई। लेकिन फतेहाबाद के DC रवि प्रकाश गुप्ता से जब लैंडलाइन पर बात की गई तो कर्मचारी ने DC साहब से बात करवाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि DC साहब अभी खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद DC साहब मीटिंग में जाएंगे और इसके बाद ही कुछ हो सकता है। वहीं फतेहाबाद के SDM संजय बिश्नोई से फ़ोन पर बात की गई तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। SDM साहब ने कहा कि इस मामले में मुझे कुछ नहीं कहना है। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष मामले जी, किस बात को लेकर क्या है जी? हम ADC साहब को कोई बात कहते हैं तो वो कहते हैं मैंने रेड क्रॉस सेक्टर कह दिया, रेड क्रॉस सेक्टर साहब कहते हैं मैंने तहसीलदार को कह दिया, तहसीलदार कहते हैं नायब तहसीलदार को, नायब तहसीलदार कहते हैं पटवारी, पटवारी कहते हैं मैंने एक संस्था को कह दिया। संस्था का पता नहीं कहाँ का था, या इनका सरकारी जनता को इतनी उसने बदतमीजी की, इतनी शर्मनाक घटना थी आप देख के। अरे जी हम कर रहे हैं, मतलब कहाँ कर रहे हैं, करे हो तो हम कहा आप झुग्गी झोपड़ी के अलावा और किसी को आप गरीब नहीं मानते, उल्टा हमें धमकाते हैं। तो आज आप मिलने आए हैं क्या कुछ? तो इसीलिए मैं बोला जी आप कुछ गरीब तबके के लिए कुछ कराइए निमन के लिए जी। हाँ तब बिल्कुल बेरुखी बात करते हैं, हमें धमकाते हैं, कहते कई बार तो कोई ये रेड क्रॉस सेक्टर जी कहते हैं आप लोग हम घर बैठो आप हम अपने आप करेंगे, आप मत बताया करो। या तो इन्होंने मॉनिटरिंग करी है तो बताएं, या कहीं से सर्वे करवाया किसी अधिकारी से तो वो बताएं जी। फिलहाल आप सारे MC हैं तो हाँ जी, ये MC नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा जिनको? हम तो कहते हैं प्रशासन अपने आप करे, हमें गरीब तबके के बारे में हम बढ़ा के दे देते हैं। हम तो ब्याह के गीत नहीं सुनने आ रहे थे, हम तो जनता के दुखड़े के लिए आए हैं, वो दुख नहीं सुनते 2 घंटे से और लास्ट बेतुकी बातें करते हैं। लास्ट में हमें कहते हैं मैंने आपको बुलाया थोड़ा सा, आप अपने आप आयो। सरकार ने किस लिए लगा रखा है अधिकारियों को? हमारी जनता की समस्या सुनने के लिए। और किसी भी अधिकारी को बात बताते हो वो अधिकारी हमें धमकाते हैं जी, और सरकार बड़े बड़े दावे करती है। और जे ऐसे हालात चलते रहे आने वाले टाइम के लिए सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे अधिकारियों की वजह से। महेश मक्कड़, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 8। और यहाँ पे जितनी भी संस्थाएं हैं वो कहती है हम 15 रुपए पर पर्सन के हिसाब से खाना दे सकते हैं, और ये नोडल अधिकारी हमारे को ये कह रहा है कि हमने 20 रुपए पर हिसाब से हमने खाना दिया है। धरातल पे आपको क्या लग रहा है? धरातल पे सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा जी, और अब भी सरकार ने अपील पे प्रशासन और सरकार की तरफ से कहीं कुछ लिस्ट नहीं उपलब्ध निकला जी। हमने बार बार कह दिया सुखा राशन आप कब दोगे, सुखा राशन कितने दिन कितने वार्ड को दे चुके हो, कितने लोगों से उसकी लिस्ट दो। नोडल अधिकारी पास कोई लिस्ट नहीं, आज लगभग हम शहर के सभी पार्षद आए हुए हैं। SDM को फोन करो, SDM कहते हैं ADC तहसीलदार करो, तहसीलदार पटवारी करो, पटवारी कहते हैं सेक्रेटरी से बात करो, सेक्रेटरी कहता है हमने संस्था को बोल दिया, तो कहीं कोई सुनवाई नहीं है इस चीज की बात है। प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा जी। क्या नाम है जी आपका? वीरेंद्र एडवोकेट जी, पार्षद वार्ड नंबर 4 से। बताओ कि ये जनाब समाधान यही है कि आप ना प्रत्येक घर में सूखा राशन अवेलेबल करा ताकि वो लोग घर से बाहर ना निकले। हम सुबह शाम जाते हैं, संस्थाएं जाती हैं उनसे देने के लिए। हम एक तो कहते हैं जी सोशल डिस्टेंस रखो, लॉकडाउन का पालन करो, सुबह वो 10 बजे निकल जाते हैं, हम भूखे हमारे को पहुंचाओ खाना पहुंचाओ, रात को 8-6-7 बजे लोग लाइन लगा लेते हैं कि हमें रोटी दो। नहीं सही है बात, एक बात आपकी बिल्कुल सही, उसको ड्राइवर की पॉसिबिलिटी है।